हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार। वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी 10709 एएनएम फॉर्म 2022 के बारे में। इस फॉर्म को भरने से पहले आप लोग ये सब बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार की तरह जैसे 8853 एएनएम में बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म भरने में कुछ गलती हुआ था, जिसके कारण काउंसलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो उन सभी बातों को आप लोग को अभी ध्यान में रखना है और आगे ये गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऐसा मिस्टेक है। सबसे पहले जो आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या रहेगा इस वीडियो में। देखिए, जाति, आवासीय, एनसीएल, ये सारी चीज़ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट इशू डेट है, जैसे अभी आपने फॉर्म भरते समय कुछ भी डाल के और आप सोचेंगे कि मैं काउंसलिंग के टाइम में सर्टिफिकेट निकलवा करके और फिर उसको वहाँ पर काउंसलिंग में प्रस्तुत कर दूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी आप सर्टिफिकेट का जो भी अपना विवरण अभी फॉर्म फिल करते समय डालते हैं, वही आपको उस काउंसलिंग में भी लगेगा। तो इसीलिए यह चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, थोड़ा लेट से ही फॉर्म डालें, लेकिन आपको उस सारा का सारा डॉक्यूमेंट अभी भी निकाल लेकर के और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है साइबर कैफ़े का मिस्टेक। साइबर कैफ़े में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरवाते हैं, जो साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाते समय मिस्टेक कर देता है, उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी साइबर कैफ़े पे थोड़ा भीड़ कम हो उस टाइम में जाएं और आसानी से फॉर्म भरवाएं। ये सारी बातें हैं, चलिए अब मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो देख सकते हैं, ये है आपका बीटीएससी का मेन एडवर्टाइजमेंट जो निकाला गया था फॉर्म भरने के दिन, ठीक है। देखिए, सबसे जो पॉइंट है मैं आपको जल्दी जल्दी बता करके वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो है सबसे पहला है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के भीतर कॉलम में अपने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करेंगे। इस प्रविष्टि के अनुसार काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। काउंसलिंग में आपका सारा चीज़ का मूल प्रमाण पत्र लगने वाला है, ठीक है। और देखिए, ये है दूसरा पॉइंट, ये है ग्रेड से रिलेटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट के जो एएनएम की जो सर्टिफिकेट है उसमें मार्कशीट पर ग्रेड लिखा गया है। मार्कशीट को जितना भी मार्क है उसको ग्रेड में तब्दील किया गया है, ठीक है। तो ग्रेड में जो बदला गया है उसको आप लोग प्रतिशत में बदल के, परसेंटेज में ही बदल के ही फॉर्म को सबमिट करेंगे, क्योंकि उस टाइम में आपको ये सब चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम करने वाला है काउंसलिंग के टाइम में। तो इसीलिए ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि फॉर्म भरते समय आपने जो मोबाइल नंबर, ठीक है, और जो ईमेल आईडी देने वाले हैं वो अपना खुद दें। कभी कभार साइबर कैफे वाला अपना ही ईमेल आईडी दे देता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और उसको उसका आईडी और पासवर्ड सभी चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है और उसको बाद में आपका ज़रूरत पड़ने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि जो आपका निबंधन से रिलेटेड होगा वो आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे क्या कह रहा है, योग्यता संबंधित सभी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिहार परिचारिका निबंधन द्वारा आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उक्त सभी प्रमाण पत्र की निर्गत होने की तिथि 1/9/2022 यानी अगले एक महीने यानी नवा महीना सितंबर तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट का निर्गत होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी अभी फॉर्म डाल रहे हैं उसको पहले सभी डॉक्यूमेंट पहले ही निकाल लें, निर्गत करवा लें। जैसे आपका जाति हो गया, एनसीएल हो गया, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे चीज़ आप पहले से निकाल लीजिए और उसके बाद ही आप फॉर्म डालें, ठीक है। ये सारा इसका कहना हुआ, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी चीज़ें हैं, जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, ऐसा नहीं होता है कभी कभार जो स्टूडेंट अभी फॉर्म डाल देते हैं उसके बाद जो है अपना पैरामेडिकल का सर्टिफिकेट वगैरह निकलवाते हैं कॉलेज से, तो ये सब चीज़ का आप लोग गलती नहीं करेंगे। पहले ही आपका सारा चीज़ निकलवा लेना है, भले ही फॉर्म थोड़ा लेट से भरें, ठीक। ये सारी बातें हैं। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट आप देख ही लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक। बाकी आप देख सकते हैं कि आप अपने जो भी फॉर्म डालते समय किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं करें और आपका जो सिग्नेचर है वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखें। फर्स्ट चीज लिखा गया है कि महिला अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं नॉन क्रीमिलेयर एनसीएल जो होता है, ये आपको पिता के नाम एवं पता से निर्गत कराना अनिवार्य है, ठीक है। पति के नाम एवं पता का निर्गत प्रमाण पत्र नहीं अनिवार्य होगा। ये बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अपना एनसीएल जो है वो पति के एड्रेस से बनाना पड़ेगा या पिता के एड्रेस से, तो ये चीज़ आप लोग कन्फर्म हो जाए, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद है कि पिछड़ा एवं मतलब पिछड़ा वर्ग के सदस्य हेतु नॉन क्रीमी लेयर संकलन कराना आवश्यक है। जो भी बीसी और ईबीसी स्टूडेंट हैं,
ठीक है, उनको MCL जरूर लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अभी से ही निकलवा लें। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही आरक्षण का अंकन आवेदन के लिए संबंधित कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सारी बातें थी। जो भी आरक्षित कोटा है ये आप देख सकते हैं, SC ST BC EBC और EWS, ठीक। जो आरक्षित वर्ग है उससे रिलेटेड एक बार बात कर लेते हैं कि आरक्षण कैसे मिलेगा। देखिए क्या क्या, किस जैसे BC EBC सबके लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा, EWS के लिए क्या बनाना पड़ेगा, और ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये किसके द्वारा इशू होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए जो इसके लिए, देखिए सबसे पहले तो आप, यानी अभी आप फॉर्म भरते समय आपका जो भी कास्ट से आते हैं, जैसे BC EBC जो भी आते हैं, वो आपको अगर इसमें गलती कर देते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे आप कितना भी सर्टिफिकेट बनवा लें। उसके बाद है कि आरक्षण का लाभ उसी उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार का हो, ठीक है। तो ऐसा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं SC और ST के लिए। सबसे पहला है SC और ST के लिए, तो इनको कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, तो इनके लिए जाति प्रमाण पत्र और आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक। उसके बाद है कि पिछड़ी जाति BC और EBC के लिए, ठीक, BC एंड EBC के लिए इसको लगेगा आपका जाति प्रमाण पत्र, NCL और आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसके बाद जो EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका जो EWS बना हुआ रहता है वो आपका मिलना चाहिए, और उसके बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र रहना चाहिए। और देखिए, और आपका जो भी सर्टिफिकेट है जाति आवासीय आय NCL ये सारे आपके अंचल के, यानी आपके जो अंचल है उनके अंचलाधिकारी यानी CO से आपको अप्रूव कराना चाहिए, CO से सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे आप जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में।